करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर 4 द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सीखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड की परफेक्ट डेफिनेशन है अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब हुआ, अगर एक मैग्नेट आपने रखा है, राइट, ये एक मैग्नेट रखा है आपने, और इस मैग्नेट के चारों तरफ इसकी सराउंडिंग का वो स्पेस जहां तक ये अपने इन्फ्लुएंस को यानी अपने इसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो पूरा स्पेस कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये मैग्नेट है इसने इतने स्पेस इतने सराउंडिंग पे अपनी अपने इन्फ्लुएंस को डेवलप कर रखा हो तो पार्टिकल इसके नियरेस्ट आएगा, सो या तो वो पार्टिकल अट्रैक्ट होगा या वो पार्टिकल रिपेल होगा, राइट। सो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा हम लोग जिस सिंबल से शो करेंगे दैट सिंबल इज कैपिटल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों हमेशा कैपिटल बी से हम लोग डिनोट करेंगे, शो करेंगे। नो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो अगर हम याद करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन पे हम लोगों ने कूलम्स लॉ यूज किया था टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारा सबसे बढ़िया और बेसिक कंसेप्ट है बायोट-सावर्ट लॉ। बच्चों बायोट-सावर्ट लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करते हुए आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बायोट-सावर्ट लॉ कहता क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ कहता है अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है ऑफ लेंथ एक्स वाई और इस कंडक्टर पर कॉन्स्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है, राइट। सो अगर हम इस कंडक्टर पर एक स्मॉल सा करंट एलिमेंट ले हैविंग ऑफ लेंथ ऑफ डीएल, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ डीएल है एंड वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। नाउ द पोजीशन वेक्टर बिटवीन द पॉइंट पी एंड दिस एलिमेंट डीएल इज कंसीडर एज आर, ठीक है। तो पी पॉइंट और डीएल एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस को उन्होंने कितना कंसीडर किया, आर। नाउ ये जो लाइन है जो हमारा डिस्टेंस है this distance make an angle theta with the conductor xy or with the element. Now Biot-Savart law ke according Biot-Savart law hamara kehta hai the value of b is proportional to i, jo magnetic field hai wo hamesha current ke proportional hoga, b proportional to dl the current element ki length ke hamesha proportional hoga, b is proportional to sine of angle theta, right, and v is inversely proportional to square of the distance between the point and the element. So v is proportional to I, v is proportional to dl, v is proportional to sin theta and v proportional to r square. Agar hum is pure concept ko arrange kare so we can write v proportional to I dl sin theta upon r b is proportional to i dl sin theta upon r square. और बच्चों proportionality को अगर हमें equality में convert करना है we use a constant k here, so we can write b equal to k i dl sin theta by r square. So this is a Biot-Savart law for finding the magnetic field. So Biot-Savart law is b equal to k i dl sin theta by r square where k is a proportionality constant. K is the proportionality constant और बच्चों इस K की वैल्यू को हम लोग लेते हैं K is equal to mu naught upon 4 pi जिसकी numerical वैल्यू हम लोग consider करते हैं 10^-7 और यूनिट consider करते हैं वेबर पर मीटर एम्पियर, राइट। और यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग 10^-7 वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। This is the value of proportionality constant k mu naught upon 4 pi. तो बच्चों अगर इस k की जगह value को put कर दें, ना हमारा formula complete हो जाएगा। B is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square. So this is a complete formula to determine the magnetic field.
अब इस फॉर्मूले में छोटी सी एक बात मैं आपको और बताऊंगा, अगर हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है बच्चों, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, डेवलप होगा या जनरेट होगा, उसकी भी वैल्यू स्मॉल होगी। इसलिए इस फॉर्मूले को आप कंप्लीट भी ना लिख करके यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एज dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square. So dB is a very small value of that magnetic field. Right? So हम लोग B की जगह dB भी replace कर सकते हैं. Right? तो यहाँ पे मैं कर भी दे रहा हूँ dB, dB, dB and dB. So this is dB. क्योंकि हमारी अगर length small है, तो magnetic field भी small होगा. ठीक है, तो हमें फॉर्मूला मिल गया b is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, जहां पर I dl कहलाता है करंट एलिमेंट. ठीक है, I dl हमारा क्या कहलाता है, करंट एलिमेंट. राइट, अब अगर इसी फॉर्मूले में देखें तो mu naught is what, mu naught is called as permittivity of the free space. Sorry, mu naught is called permeability of the free space. Permeability of free space. तो permittivity बोल गया, वो mu not epsilon not होता है electric field. Mu not कहलाता है permeability of the free space. Right? So अगर हम अपने इस formula को vector form में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? वो भी तरीका लिखते हैं. Vector form. So student, यहाँ पर हमारा magnitude formula है. dB is equal to mu not upon 4 pi IDL sin theta by R square. बच्चों इस फॉर्मूले में R का मल्टीप्लाई और R का डिवाइड किया, अब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं mu naught upon 4 pi IDL R sin theta by R cube. Right? अब आपको ध्यान होगा, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर मिलता है AB sin theta. यहाँ भी देखिए sin theta आ रहा है, तो करंट I तो कांस्टेंट है, तो यहाँ वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, द करंट एलिमेंट dl एंड डिस्टेंस r. सो हम यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो गया mu naught I upon 4 pi dl cross r upon r cube. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मुझे वेक्टर फॉर्मूला मिल गया है. अब अगर देखें कि कुछ केसेस हम लोग देखें कि अगर हमारा एंगल जीरो होगा तब क्या सिचुएशन होगी, और एंगल अगर हमारा 90 होगा उस समय क्या सिचुएशन होगी मैग्नेटिक फील्ड की. नाउ अगर मैं पहला केस लेता हूं, केस वन, इफ एंगल थीटा इज जीरो, तो बच्चों हमें पता है अगर एंगल जीरो है तो उसका साइन जीरो भी जीरो होगा. इसका मतलब एंगल थीटा जीरो का क्या मतलब हुआ, एंगल थीटा जीरो का मतलब हुआ द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट. अगर आपका पॉइंट पी करंट एलिमेंट के एक्सिस पे है, तो अगर मान लीजिए ये आपका करंट एलिमेंट है डीएल और पॉइंट आपने बच्चों यहां ले लिया, तब क्या होगा, डीएल और पी पॉइंट दोनों सेम एक्सिस पे आ गए. नाउ इन दैट कंडीशन एंगल विल बी जीरो and sine and zero is zero, so no magnetic field is generated in that condition. So when the point is on the axis of current element, there is no magnetic field. Means the value of dB is zero or the value of B is zero. So पहला केस, अगर पॉइंट हमारा एक्सिस पे होगा, एंगल जीरो होगा, तो हमेशा हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी. केस टू, अगर थीटा की वैल्यू बच्चों हम लोग 90 डिग्री ले लें, तो हमें पता है साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 पर. 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, द करंट एलिमेंट एंड द डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो करंट एलिमेंट है और जो डिस्टेंस है वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उस समय मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और फॉर्मूला बन जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर. dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल by R square. Condition क्या हुआ, when
the point is perpendicular to the current element. Then magnetic field is maximum. उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर. सो दिस इज ऑल अबाउट बायोट सॉवर्ट लॉ. चलिए अब बात करते हैं यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड और क्या कंसेप्ट है 1 टेस्ला का. नाउ स्टूडेंट्स, यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, द यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज कंसीडर इन टेस्ला. सो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या रहेगा? टेस्ला रहेगा. और अगर हम फॉर्मूला देखें बायोट सॉवर्ट लॉ, तो फॉर्मूला है dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल sin थीटा बाय r स्क्वायर. इस फॉर्मूले में कंसीडर करते हैं करंट एज 1 एंपियर, dl इज 1 मीटर, r इज 1 मीटर एंड एंगल विल बी 90 डिग्री. अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो हमें dv की वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 7 टेस्ला. तो अगर यहां से क्रॉस करा जाए तो 1 टेस्ला कितना लिख सकते हैं बच्चों? 10^7 टाइम्स dv. तो क्या डेफिनेशन बना 1 टेस्ला का? 1 टेस्ला इज 10^7 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, 7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड परपेंडिकुलर टू इट. तो क्या मतलब हुआ? 1 टेस्ला 10^7 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अगर उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, उस पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, साथ साथ वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है और परपेंडिकुलर है. तो दिस इज अ डेफिनेशन फॉर 1 टेस्ला एंड यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी. तो बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी. तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, अब एक नया रिलेशन लेके आते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी. सो हियर द न्यू टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी. व्हाट इज सी हियर? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो बच्चों हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की क्या वैल्यू होती है? 10^-7. और हमें यह भी पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है? 9×10^9. ठीक है, अब हम क्या करें? अगर हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लीकेशन लें, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस मल्टीप्लीकेशन में 4 पाई का मल्टीप्लाई और 4 पाई का डिवाइड कर दें, तो क्या कोई चेंज होगा? नहीं होगा. लेकिन इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बच्चों, यही चीज है, 4 पाई कैंसिल करेंगे आपको ये मिलेगा. लेकिन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या बच्चों? 10^-7. और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 9×10^9. तो अगर 10^-7 को डिनोमिनेटर में बच्चों आप ले जाओगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी 1/9×10^16. तो 9×10^16 को कितना लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 3×10^8 होल स्क्वायर. और हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर 3×10^8 को आप शो कर सकते हैं सी स्क्वायर. सो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? दैट इज 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द रिलेशन बिटवीन परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड स्पीड ऑफ लाइट. ओके नाउ स्टूडेंट्स, द कंपैरिजन बिटवीन बायोट सॉवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ. सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट इन द केस ऑफ बायोट सॉवर्ट लॉ वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, बट इन द केस ऑफ कूलम्स लॉ वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड. एज वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल sin थीटा बाय आर स्क्वायर एंड फॉर्मूला टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय आर स्क्वायर. सो हियर आई राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस between these two formulas for the magnetic field and for the electric field. First of all, points of similarity. The first point,
both fields are inversely proportional to square of the distance from the source to observation point. दोनों ही फील्ड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर r square term आया है. So both fields are inversely proportional to square of the distance from source to observation point. दूसरा सिमिलरिटी है ये है कि दोनों ही फील्ड हमारे सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फील्ड. सो ये दो हमारे कंडीशंस हैं फॉर द केस ऑफ सिमिलरिटी. वन मोर कंडीशन फॉर सिमिलरिटी इज बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड. दोनों का जो इन्फ्लुएंस एरिया होता है, सराउंडिंग एरिया होता है, बहुत ही ज्यादा होता है. सो बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड. सो दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन ऑफ कूलम्स लॉ और बायोट सॉवर्ट लॉ. व्हाट आर द डिफरेंसेस. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बच्चों निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन पर हमेशा वेक्टर सोर्स का यूज करेंगे और दैट वेक्टर सोर्स इज करंट एलिमेंट आई डी है. लेकिन बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हमेशा हम लोग स्केलर सोर्स का यूज करेंगे एंड दैट स्केलर सोर्स इज चार्ज. पहली डिफरेंस तो हमारा ये हुआ. दूसरा डिफरेंस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम साइन ऑफ एंगल यूज करते हैं जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कहीं भी साइन ऑफ एंगल का यूज नहीं करते. सो दीज आर टू डिफरेंसेज इन द केस ऑफ बायोट सॉवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ. सो दिस इज अ कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन बायोट सॉवर्ट एंड कूलम्स लॉ. ओके, सो दीज आर द टुडेज टॉपिक. होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स. इफ यू लाइक माई वीडियोज और लाइक माई एक्सप्लेनेशन, सो लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.